हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मैंने कहा था कि सी वोटर एक अपना स्नैप पोल अलग से करेगा, उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। और हमने ट्विटर पर भी ये सवाल पूछा था, 5 घंटे पहले ये सवाल पूछा, 11,418 लोगों ने अब तक वोट किया है। सवाल ये था कि क्या 5.5 लाख कोरोना केस की बात कर दिल्ली सरकार ने डर फैलाने की कोशिश की है, जिसके चलते गृहमंत्री अमित शाह को एक्शन लेना पड़ा या एक्शन में आना पड़ा। डर फैलाया 35% कहते हैं, लेकिन 65% कहते हैं नहीं, डर नहीं फैलाया है। अब मैं चाहती हूं कि बाकी जितने भी हमारे प्रवक्ता यहां पर अलग अलग के बैठे हुए हैं, 40-40 सेकंड में अपनी बात शुरू खत्म करें। राघव चड्ढा, शुरुआत आपसे। देखिए, मुझे लगता है आपके ट्विटर पोल ने भी साफ तौर पे बात रख दी है कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और समय समय पर जो आंकड़े देती है उसे जनता जागरूक होती है। उसे डराना या बरगलाने जैसा कोई अगर कहे तो वो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहा है। ये लड़ाई सबको साथ मिलकर लड़नी है। मुझे दुख होता है जब इस प्रकार की बहस में राजनीतिक बयान होते हैं, तीखी टिप्पणियां होती हैं। हमने तो खुद ही कहा है कि सारा श्रेय आप ले लीजिए, लेकिन दिल्ली वालों की जान बचाने के लिए जिसके चौखट पे जाकर मदद मांगनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसके चौखट पे जाकर दिल्ली वालों, आप ये कह रहे हैं हमें साथ मिलकर करना होगा काम, जिसको श्रेय लेना है ले लीजिए। तो फिर संजय सिंह को आपको ये बात समझानी चाहिए। गौरव भाटिया, रूबिका जी मेरे साथी हैं, अनुज है, इनको संजय सिंह का ट्वीट देखना चाहिए। कैसे कहीं ना कहीं जाना चाहते थे जब राधा स्वामी जो हमारा कोविड सेंटर खोल रहा था वहां पे कह रहे थे न्योता नहीं आया, और दूसरी बात सत्येंद्र जैन तो मैच चले गए। लेकिन मैं दिल्ली की जनता की तरफ से कहना चाहता हूं, आपका अभी एप्लीकेशन दिखा रहा है कि मैक्स साकेत में 0 वेंटिलेटर है, मैक्स पटपड़गंज में 0 वेंटिलेटर है, मैक्स शालीमार बाग में 0 वेंटिलेटर है, उसमें कुछ करिए। दूसरी बात, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था अगर गुजरात की सरकार ना होती तो शायद हम लोग सीएम ना होते। आप लोग रुक जाए सर, देखिए प्लीज, इस तरीके से नहीं कह रहे हैं आपके श्रेय, जिसको लेना है ले लें। रूबिका, आपके सर्वे ने साबित कर दिया है कि दिल्ली डरती नहीं है, पर दिल्ली चिंतित जरूर है। जब दिल्ली को ये पता चलता है कि मात्र 13 दिन में मामले 40,000 से 80,000 पार कर चुके हैं और मौत के आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये मैं कहती हूँ आपसे, क्योंकि पिछले 8 दिन के मौत के आंकड़े जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पिछले 8 दिन में 62, 63, 64, 65, 66 आंकड़े देखिए मौत के, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंधेरे में रखकर धोखा। आप ये कह रहे हैं आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये कह रही है कि अभी साथ में मिलकर काम करने का वक्त है, अभी किसी तरह की कोई राजनीति का वक्त नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि राजनीति नहीं होगी जैसी यहाँ पर हुई है, इस बहस में हुई है।